तो पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह सिंह तरफ आया जुमिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संस करना या दौरान तिमो वन नरवाल धमाकन में मुलवस आरिफ नाव अख मिलिटेंट गिरफ्तार करना आमुत इम सिंह ताल्लुक रियासी जिले से तिमो वन यह पत्मो त्रयो वरियो पे मुल्क दुश्मन सरगर्मियन में मुलवस ओसमुत यह कत चुन लायक जुम नरवाल इलाक मज़ अकवुह जनवरी अलग अलग ज बम धमाक कर आमित यथ अंदर नौ नफर शदीद जख्मी सपदम मैं सबसे पहले जम्मू पुलिस को एसएसपी जम्मू उनकी टीम को एसपी साउथ डीएसपी साहबान और एसएचओ और बाकी टीम के लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं उनको शाबाशी देना चाहता हूं मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस केस को वर्कआउट किया है और इस दहशतगर्दी की साजिश के पीछे कौन लोग शामिल थे उनको बेनकाब किया है। आप जानते हैं 21 जनवरी को रात को जो दो बॉम्ब लगाए गए 20 की रात को जो 21 की सुबह फटे रात को 7:30 बजे के आसपास पहला और फिर उसके बाद दूसरा और दोनों आईडीज के बीच में 20 मिनट का वक्फा इस तरीके से रखा गया कि जब पुलिस के लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पर इमीडिएटली रश करते हैं पहुंचते हैं तो उनका बड़े से बड़ा नुकसान किया जा सके और पहले में जब दुकानें खुलें लोग जो दुकानदार आसपास अपना काम कारोबार करने वाले हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। मगर पुलिस ने अपनी एसओपीज का पालन करते हुए अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और उस एरिया को अच्छे से सैनिटाइज किया जिसकी वजह से पहली आईडी में 9 लोग जख्मी हुए मगर दूसरी आईडी जिसका निशाना यह था कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग जो मौके पर आए उनको टारगेट किया जाए एसओपी का पालन करते हुए उस नुकसान को बचाया जा सका वरना वो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था क्योंकि पहली आईडी छोटी थी और दूसरी आईडी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी और इरादा यही था कि दूसरी आईडी ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान करे। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है जो रियासी का रहने वाला है। आफ्ताब मार्केट श्रीनगर में दिवे रात शाम कहिया दुकान सील कर आमित ताहम दुकान आज इंतजामिया तरफ यल त्रा आमित यह कत चुन लायक इंतजामिया तरफ उस वन आमुत दुकान पे गैर कानूनी कब्जे कर आमुत ताहम आज दुकानदारन तो इंतजामिया दरमियान कत बात सपजम दुकान यल त्रा आई तथ मौक पे दुकानदारों इंतजामियों शुक्रिया अदा कर्मुत। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए किया बहुत सही था और हम एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मसले को हमने उसे अपील की तो उन्होंने इस मसले पे ध्यान दे दिया तो उन्होंने देखा कि हम अथोराइज्ड यहाँ हैं हम अनऑथोराइज्ड नहीं है। 1972 से लेके टिल डेट तक मार्च 2023 तक हमारी रेंट एडवांस है तो हमें समझ नहीं आया कल किस तरह आ गए और हमें सील किए दुकान। इस वजह से हम बहुत परेशानी में थे पूरी रात भर हम यहाँ बैठे थे। आज मीटिंग हो गई उन्होंने हमें बुलाया हम वहाँ उनके पास गए तो उन्होंने कहा आपकी दुकानों की सील अभी खोल दी जाएगी। हमने कहा हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे आप हमें बंदे दे दो साथ सील उठाओ खुद हम खुद नहीं उठाएंगे तो वो आए उन्होंने बंदे दे दिए हम उनका बहुत बहुत मुईन साहब का हम बहुत बहुत शुक्र गुजार है। इस लीगल से इनको छोड़ दीजिए इनकी सीलिंग डिसीलिंग कीजिए बहुत ज्यादा हम बयान नहीं कर सकते मीडिया के थ्रू लेकिन हम शुक्रगुजार है बहुत ज्यादा मीडिया के भी तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल इसमें निभाया सभी ने हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन उनके भी शुक्रगुजार है हमारे जो सीनियर से उनके भी शुक्रगुजार है सबने बहुत अच्छा एफर्ट। जम्मू कश्मीर में जुदाई सरकारी जमीन खाली करने की कार्रवाई जारी है तथा अत खिलाफ आज जम्मू कश्मीर किसान तहरीक तरफ श्रीनगर में एहतजाज तो नारबाजी कर आमज एहजाज में जुदाई लोगों हजूम नजर उस ग एहजाज में शामिल जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जुदाई पत्मो कहिया वरियो पे अ जमीन पे रोजान ताहम आज इंतजामिया तरफ जमीन यल त्रक हुकुम दिन उस गरीबन सरासर नाइंसाफी तमो हवाल इंतजामिया अपील कर इनदमी कार्रवाई गि रुकान यन युत आम लूकन हंद मुश्किल दूर सपदन।
नहीं चलेगी। तारीख का सेक्रेटरी हूँ, आज हम यहाँ पर एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये एहतजाज सरकार ने जो प्रोसेस शुरू किया है, जो डिमोलिशन का प्रोसेस शुरू किया है, जो इविक्शन का प्रोसेस शुरू किया है, उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये सरकार की सरासर नाइंसाफी है। जिस जमीन पर हम सदियों से रह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये 1895 में जब लारन साहब ने यहाँ पहला सेटलमेंट किया, उस वक्त से आज तक हमारे लोग यहाँ पर आबाद हैं। उस वक्त आबादी 1,00,000 के करीब थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन आज वही आबादी जब हम देखते हैं ये 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ज़मीन वही है। इस ज़मीन में उसके बाद बहुत सारे तरामीम हुए, उसमें फिर बहुत सारे कानून आए। 1987 में महाराजा ने नाजायज़ जो शामिल ये गास चराई थी, नाजायज़ जो नवतौर ज़मीन थी उसको शामला देह में तब्दील करके यहाँ के किसानों को उसके मालिकाना हक दिए। उसके बाद 1935 में और एक कानून आया जिसके तहत जिन लोगों को इस ज़मीन पर 15 साल से कब्जा था इस शामला देह पर, उनको उनके मालिकाना हक मिले। उसके बाद और कानून आए मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे यहाँ पांपोर और पुलवामा की जो ये जहाँ ज़ाफरान तैयार, उसके लिए भी कानून लाया गया। इवर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सीनियर लीडर सलमान सागर सिंद तरफ तंतजाम इनहदमी कार्रवाई हज मजम्मत करना आमज तमों से अमवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करान मजीद व इंतजामिया लूकन हिंद मुश्किल दूर करने करें, ताहम अत बरकस यमो लुख परेशानी मं मुबतला करम तमों वो लुको वरी वाद पे तमीरत बनम ताहम आज बेदखल यवान कर लुकन सरासर नाइंसाफी से तमिश कत कान मजीद व इंतजामिया तरफ वन आमु जरल पांच मरलस तम यी कह कार्रवाई कर ताहम आज गोड तम बेदखल कर लुख तशवीश मज हम हम कंडेम करते हैं इस डिमोलिशन ड्राइव को। हम समझते हैं कि सरकार जो भी होती है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए होती है, लोगों को दर्द समझने के लिए होती है, लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए होती है, लेकिन ये टोटल बरक्स चीज़ें हैं। ये सरकार लोगों को दर्द भी दे रही है, लोगों को परेशान भी कर रही है और लोगों की जितनी भी परेशानी है उसमें इजाफा कर रही है। तो ये पहले सरकार ने धोखा दिया लोगों को, कहा कि अब 2 मरले या 3 मरले वाले जो होंगे वो इस जमन में नहीं आएंगे, और आज क्या है कि जो 1-1 मरला जिसका है पहले उसी को हिट किया जा रहा है। कहां पे ऐसा हिट किया गया, थोड़ा सा आप सोशल मीडिया देख लीजिए, हर अगर आपके पास कोई प्रूफ है उसके हवाले, बिल्कुल वीडियो। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का दावा है कि 5 मरले से लेके 15 मरले जमीन जो है वो उन लोगों के नाम पे की जाएगी, ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई। अव्वल तो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर हमारे पास नहीं आया, हर चीज पे गवर्नमेंट ऑर्डर रहा था, एक्ट पास होते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाता है, हर दिन कानून की धज्जियां उड़ा के नए कानून बनाए जाते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर आता है। इसका कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आप लोगों ने नहीं देखा होगा आज तक, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर जब है ही नहीं इन प्लेस तो कुछ बातें करना बड़ा अजीब सा है। लेकिन हमने देखा गाँव में औरतें रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मजदूरों की जमीनें ली जा रही हैं, जो दुकानदारों की दुकानें ली जा रही है, जो 70-70 साल से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रेंट दे रहे हैं उनकी दुकानें ली जा रही, टीजी रेंट जिनका ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ है उनकी दुकानें ली जा रही है। तो ये अगर अंधेर नगरी नहीं है, मैं जम्मू की बात शायद जम्मू में जो है हमारे दोस्त वो सुंजवा में बठिंडी में उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो ये सारा जो माहौल क्रिएट किया गया हुआ एक डर और ये जो मतलब दबाने का माहौल क्रिएट किया कि हम समझ नहीं सकते हैं। पहले हमारी समझ से बाहर है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही लोगों की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ त्याज जुम्मे मजम अवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस संज कर या दौरान पार्टी सीनियर लीडर तो सबक वजीर गुलाम हसन मीरन एल जी इंतजामिया बिलडोजर कार्रवाई रुकान मुतालबो कर तो तमो इंतजामिया अपील करम गरीब लूकन हन खास ख्याल थाने यून तमो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान एल जी इंतजामिया मंग कर बिलडोजर सड़ा फसल तो कुल नुकसान वातान बजाय गम मुतलका महकम इन दिन युत माहौल डंज रोज तमों बड़ कम्प्लेक्स मिसमार कर बजाय गम जाए इस्तेमाल मन इन युत जन इंतजामिया मदद मिल तो तमों एल जी इंतजामिया अपील करम गरीब लूकन बजाय गारवई बारसूक नफर खिलाफ कर यमो पे असर रसूक गलत इस्तेमाल कर्म वर्किंग
सीजन कम था इन स्पॉट्स पे क्योंकि ये विंटर जोन्स थे। फिर लगभग अब ये 82, 83 या 85 तक इन्होंने होटल्स पर तैयार, 2-3 साल काम किया तो 89-80 में सारा कश्मीर डिस्टर्ब हो गया। तब से आप पिछले 2-3 साल से उन्होंने काम शुरू कर दिया, आप उनको भी बाहर करेंगे। तरीका जो सारी कंट्री में, वी आर नॉट आस्किंग फॉर ए स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जब स्पेशल प्रोविजन जो सारी कंट्री में रिन्यूअल ऑफ लीज का तरीका कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आप ये क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के साथ क्यों ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता? खबरनाम से जारी, यासिन वक्त जर थी वक्फा।